आज अपने नए ब्लॉक में स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने कल आपको बताया था कि मसूरी गए थे, तो ये बच्चे लोग काफ़ी सारी बर्फ़ वहाँ से इकट्ठे करके लाए हैं और करके, तो ये आज हमें कुछ नई बर्फ़ की रेसिपी बनाना सिखा रहे हैं आपने, और ये सिखाते हैं आपको एक बर्फ़ की नई रेसिपी बनाना। इसको बोलते हैं बर्फ़ का गोला कैसे बनाया जाता है। क्या होता है ये? ये हम मसूरी से बर्फ़ लेके आए हैं। ये हमने मटेरियल बनाया है उस टाइप, उस पर हमने चुन्नू होते जो खुमानी उसको सुखा के बनाया है। उसमें हमने लहसुन धनिया नमक मिर्च डाला है, गुड़, और हम इसे बर्फ में मिक्स करेंगे। ये पूरा चटनी टाइप बना दिया हमने। हाँ। चटनी करके चटनी टाइप का पूरा बना दिया, मतलब नमक मिर्च वगैरह सब डाला है इसमें। हाँ। करके और इसमें इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको मिला रहे हैं बिल्कुल जैसे चाट बनाया जाता है, इसमें सारी बर्फ में बिल्कुल फूटा जा रहा है ताकि जो सारा ये फ्लेवर है पूरा चटनी बनाइए सब पूरा फ्लेवर हो जाए। तो गाँव में क्या बोलते हैं इसको? पहाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं यूं। वैसे बर्फ़ का गोला बोलते हैं और पहाड़ी भाषा में यूं बोलते हैं इसको। और ये देखिए और चटपटा बनाने के लिए चल रहा है, ऐसा लग रहा है चटपटी चाट टाइप कुछ बन रही है। तो है ये बर्फ़ का गोला हमारा फाइनली तैयार हो चुका है। गोला बर्फ़ का गोला, पहाड़ी बर्फ़ का गोला, बचपन की याद ताज़ा हो चुकी है बिल्कुल करके है। तो ये लग तो चाट रहा है, अगर इसको लंबे शेप में इस पर डंडी लगा दिया तो बर्फ़ का गोला बन जाएगा, लेकिन हमारे पास कटोरी थी तो हमने कटोरी में इसको एक ट्रेडिशनल टाइप में बना दिया है। और देख के बहुत ही मुँह में लालच आ रहा है, बचपन की याद ताज़ा हो गई कि बचपन में हम बर्फ़ के गोले खाया करते थे और बहुत ही बढ़िया। तो अब हम सब इसमें बांटते हैं सबको बर्फ़ का गोला। लो जी बर्फ़ का गोला एंजॉय कीजिए, बर्फ का गोला। ये और मजा कम वाला लेता हूँ। ये देखिए पत्ते के साथ।